नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। लोक कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। सरकारी स्कूलों के बच्चे समझेंगे गुड टच बैड टच। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स कर रहे जागरूक। कल जयपुर में होगा राज्य स्तरीय युवा महापंचायत कार्यक्रम। नई युवा नीति पर युवाओं से होगा संवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार हर साल 100 दिन का रोजगार यानी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। साथ ही लोक कलाकारों को कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। देश में पहली बार किसी राज्य के लोक कलाकारों और कला का प्रदर्शन करने वाले समुदायों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली है। लोक कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके लिए सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने और उनके कला रूपों और संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। ये कला और संस्कृति हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान है। जिसको आपने जीवित रखा है, आपके पूर्वज से उन्होंने शुरुआत की और आज हम यहाँ तक पहुँचे। सरकार का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। कोरोना के अंदर भी ध्यान रखा हमने, बगैर मांगे हुए। कलाकार स्वयं मांगे धनी होते हैं, तकलीफ में रहे परंतु कोई मांग नहीं रखी। सरकार ने खुद ने आगे आकर के आपको घर बैठे हुए प्रत्येक को 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रयास किया। हमारी कला, हमारे कलाकार, उनके वाद्य यंत्र जिनके लिए हमने अभी योजना बनाई है विश्वकर्मा के नाम से, भी तमाम कलाकारों को उनका वाद्य यंत्र के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। अभी कई कलाकारों का आपके सामने है, उनके वाद्य यंत्र की भेंट की गई। तो सरकार आपके साथ खड़ी है आगे भी। इस योजना के लिए लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें अब सम्मानजनक और सुरक्षित आजीविका मिल सकेगी। उन्होंने लोक कलाकारों, खास करके गांवों से जो सिकुड़ी हुई कला है, जो लोग इस डिपार्टमेंट तक, इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये। जो अपने गाँवों तक ही सीमित रहेगी, जैसे बैरूपिया कला हुई, तुरा कलंगी हुई, कठपुतली हुई, भपंग हुई, चक्री नृत्य हुआ, भवाई नृत्य हुआ, इस तरह की जो कलाएं हैं जो केवल गांवों तक ही सीमित है। लेकिन गहलोत साहब ने ये जो सुनहरा अवसर निकाला है सभी लोक कलाकारों को 100 दिवसीय रोजगार देकर, बहुत सुनहरा अवसर निकाला। और इससे मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ और मेरे पूरे चित्तौड़गढ़ की टीमें आई हुई यहाँ पे, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गहलोत साहब को कि उन्होंने ये योजना निकाली है। आज ये बहुत अच्छा लगा है, ये जो आज का अवसर मिला है, सभी कलाकारों का हर्षोल्लास बढ़ा है और सभी की जो इच्छा थी कि हम भी आगे पहुंचना चाहें, इस कला को आगे बढ़ाएं, तो इसके बारे में सबको अच्छा लगा। और सब कलाकार मिलजुल करके आज चित्तौड़गढ़ से जो भी टीम आई है, उन्होंने अलग अलग वेशभूषा में अपनी अपनी प्रस्तुति दी है, वो सारा अच्छा लगा है। धन्यवाद गहलोत साहब ने जो ये जो अभी कलाकारों के लिए जो भी कुछ प्रयास किए और हम कलाकारों का जो रोजगार था वो ख़त्म हो रहा था, इस पर गहलोत साहब ने बहुत भारी कदम उठाया है और पूरे राजस्थान में सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया था और रोजगार भी दिया और उनको आर्थिक स्थिति से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत अभी पूरे राजस्थान से कलाकार आए हैं, इनका सभी का बहुत बहुत आभार है। और गहलोत साहब को मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे कलाकारों का भव्य बढ़ाते रहे और सभी को आगे बढ़ाते रहे। मेरा नाम खेत सिंह राव है, मैं गायक हूँ, लोक गायक पोखरण से यहाँ पर इस मेले में आया हूँ। जो ये हमारे CM साहब ने ये कलाकारों का मेला लगाया, बहुत ही अच्छा, देखकर ही बहुत नजरें भर गई, दिल भर गया। बहुत बहुत पता तो चला कि कोई तो है जो कलाकारों के बारे में सोचे, कोई नहीं सोचता साहब।
अभी पहले तो कुछ कोई कलाकार अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे, अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन बीच में ये कोरोना का टाइम आया, उसमें लॉकडाउन लग गया। ऐसा करके अभी लॉकडाउन में हम सुने थे कि ये योजना गहलोत साहब चालू कर रहे हैं, कलाकारों को भी संबल प्रदान करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तो हम बड़े खुश हुए और समय आने पर अभी ये योजना लागू भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है ये कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जैसे कलाकार वृद्ध है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी योजना है, और कलाकारों के लिए बहुत अच्छी योजना है, और इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, स्टेज मिलेगा कलाकारों को, और आगे बढ़ने का पहचान होगी और खुद की पहचान होगी कलाकारों की अपने अपनी, और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और बहुत ही अच्छा ये मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के लिए ये शुरू किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोक कलाकार को जैसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार से आम लोक कलाकार को हम मनरेगा में 125 दिन का, और लोक कलाकार को 100 दिन का रोजगार दे करके मुख्यमंत्री जी ने हम सब कलाकारों को उपहार दिया है। हम बहुत बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं सभी कलाकारों की ओर से। हम जितने भी जो तमाम कलाकार आए हैं, पूरे राजस्थान की जो शैली है, जो धरोहर है, जो परंपरागत लोक कलाकार है, उसमें सभी जो हमारी कम्युनिटी है, हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम रेखा है और मैं पुष्कर से हूँ, और मैं रेखा कालबेलिया हूँ, और यहाँ पे हम जयपुर में आए अशोक जी के, तो उनकी तरफ से हम जयपुर में कार्यक्रम करने के लिए आए, और हमारे को बहुत खुश है कि वो हमारे को काम दे रहे हैं। सभी जाति के कलाकार उनके लिए अच्छी योजना चालू की है, और 100 दिन का जो रोजगार देने का कहा गया है ये बहुत ही बढ़िया योजना है, और जो 5,000 राशि रखी गई है, किसी के पास अगर कोई साधन नहीं है, वो साधन खरीद के, जैसे अगर मैं मेरे पास सारंगी नहीं है और मैं सारंगी बजाता हूँ तो सारंगी खरीद सकते हैं, मैं मेरी जो है बच्चों को पालने के लिए वो खरीद कर मैं मेरा पालन कर सकता हूँ। कोई भी साथ जो बजाता है वो बाजार से खरीद कर अपनी जीविका चला सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है। जयपुर में दुर्गापुरा स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित 1200 मास्टर ट्रेनर्स की राज्य स्तरीय कार्यशाला के सत्रों को विषय विशेषज्ञ के रूप में संचालित किया गया। शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 66,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के सभी बच्चों तक गुड टच बैड टच के संवेदनशील विषय पर व्यापक जागरूकता लाने के लिए इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 1200 मास्टर ट्रेनर्स आगामी दिनों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में संबंधित जिले के सभी सरकारी स्कूलों से चयनित एक एक टीचर को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। उनके माध्यम से आगामी 26 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की गतिविधि के तहत एक साथ गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता का पहला चरण आयोजित होगा। कल जयपुर के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय युवा महापंचायत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राज्य की नई युवा नीति पर युवाओं से संवाद होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना संबोधित करेंगे। कल राजस्थान युवा बोर्ड और UNFPI के संयुक्त तत्वाधान में युवा संकल्प का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दुर्गापुरा में हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा सौंपा जाएगा। पिछले एक साल में हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्र के युवाओं से बातचीत करने के बाद एक डिटेल मसौदा तैयार किया है, जो कि राजस्थान की नई युवा नीति होगी। कल उसका प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा और राज्य भर के हजारों युवा इसमें हिस्सा लेंगे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।